डिसेबिलिटी का जो सिट्स है ना, उसको बहुत गंदा तरीका से मिसयूज़ कर रहा है, क्योंकि वो लोग जो जेन्युइन पीडब्ल्यूडी ने उसको वो लोग दे देता है ना, और जेन्युइन पीडब्ल्यूडी को इस तरह से डिप्राइव करता है। क्यों रीज़न हो सकता है? एक ही रीज़न हो सकता है ना, क्योंकि जेन्युइन नहीं वाला तो पैसा दे देगा ना, पैसा तोस देगा ना उन लोग को। इसलिए ना आप लोग तो खुद देखा है, कमीशन वाला तो अभी पैसा के लिए किया ना, जो भी एग्जाम किया है ना, तो ये ना चल सकता है। तो उसको आप वहाँ दौड़ा रहे जहाँ तक घुमा रहे, ये अभी नहीं घूम सक रहा, अभी हम उसको अभी लेके आए इसका घर से। ये हर एंगल में हर चीज़ को क्वालिफाइड हो चुका है, हर स्टेज में आपका वाइवा रिटर्न सब कुछ क्वालिफाइड हो चुका है, आपका हर क्राइटेरिया आपका फुलफिल कर चुका है, लेकिन आज तक आप उसको क्यों इंटरेस्टेड? उनको ड्यूटी करना है ना, और जो और रूल्स जो एग्जिस्टिंग रूल को होते हुए किसी को अवेयरनेस का भी प्रॉब्लम है, किसी को पता नहीं चल रहा है ना। और दूसरा बात ये कि अवेयरनेस नहीं होने की वजह से डिपार्टमेंट वाला या कमीशन वाला, ये दोनों ही मिलके डिसेबिलिटी। गुड इवनिंग वन एंड ऑल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू मेरी फ्रेंड्स। हम यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप के तरफ से हूँ, और यहाँ पे एग्रीकल्चर के और फॉरेस्ट्री के और सिविल वालों के भी रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस पब्लिक जो गार्डियंस जो एल्डर्स भी आए हुए हैं इन सपोर्ट ऑफ मिस मुदांग याबियन, जो एग्रीव्ड डिप्राइव्ड कैंडिडेट है हु बिलोंग टू द कैटेगरी पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो आई होप आप लोग सब अवेयर होंगे कि जो भी जो फॉलो अप है, जो हम कितने बार हम पे प्रेस ब्रीफिंग भी भेज चुके हैं, ये इंडिविजुअली बेटा है, मैंने भी एक बार इनके साथ प्रेस ब्रीफिंग लिया है। तो फिर से आप लोगों को फिर से और एक बार हम लोग यहाँ आना जरूरी हमने समझा, हमने जॉइंट डिसीजन लिया अलग अलग डिपार्टमेंट से, हमने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये मुद्दा स्टेगनेंट हो चुका है, ये मुद्दा कहीं और नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस टोटली एक जस्टिस का पैरोडी बन चुका है, यहाँ पे जस्टिस को इग्नोर कर रहा है। तो जस्टिस इग्नोर इज जस्टिस डिनाइड, ऐसा हो रहा है, ये सिचुएशन है। तो इसलिए एज एन इंट्रोडक्शन में आप लोगों को सब व्यूअर्स के लिए, अरुणाचल के जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी आने अब हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी गार्डियंस हैं, जितने भी स्टूडेंट यूनियंस हैं, जितने भी कंसर्न सिटीजन्स हैं, आप लोगों को ये मैं पहले क्रोनोलॉजी से आप लोगों को ले जाना चाहूँगा। ये ऐसा है कि हमारा जो सिस्टर है मिस मुदांग याबियांग, उनका फाइट जो पर्सन विद डिसेबिलिटी राइट्स के लिए, वो राइट फ्रॉम 2018 फोर इयर्स अगो शुरू हुआ था। सबसे पहले उनका जो इंडिविजुअल जो लेक्चर एग्ज़ाम जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और केमिस्ट्री के लिए था, एडवर्टाइज हुआ था 26 नवंबर 2018 में। तो ताजुब की बात ये है कि वहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का रिजर्वेशन नहीं था। तो इसको लेके हमारा सिस्टर ने डायरेक्टरेट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेटर्स लिखना शुरू किया, आरती डालना शुरू किया कि यहाँ पे रिजर्वेशंस क्यों नहीं है। तो ये चलते चलते बहुत सजेता से भी कॉन्टेक्ट हुआ, सजेता से भी हमने जो रूल्स लिया, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो बना हुआ है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स है, उसको लेके भी उन्होंने अपने बल में, अपने जो भी एक्सपेंसेस में आना जाना, इवन दो सी सफर्स फ्रॉम लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उसका डिसेबिलिटी उसके लिए एक वो एक आई मीन डिसएडवांटेज नहीं था, वो उसके लिए एक पावर बन के, वो एक शक्ति बन के, वो अपने से यहाँ वहाँ ट्रैवल किया, ऑफिस से यहाँ से वहाँ, और ऑफिसर्स लोग भी आप सबको पता है कंसर्न डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स कि गवर्नमेंट जो फाइल मूवमेंट होते हैं इट टेक्स टाइम, एंड बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन के वजह से एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट ऐसे ही बहुत बार ऐसे आना जाना में बहुत दिक्कत होता है। हम नॉर्मल कैंडिडेट्स को ही बहुत दिक्कत होती है। तो आप यू कैन थिंक अबाउट द वंस विथ डिसेबिलिटीज। तो क्रोनोलॉजी ये है, जैसे कि लेक्चर एग्जाम 26 नवंबर को हुआ 2018 में, तो वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं था। तो सिस्टर ने खुद फाइट करके, खुद लेटर्स लिख के 23 फरवरी 2021 में
एक एक्सपर्ट कमेटी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो अरुणाचल का जो एक्ट है उसके 2018 का जो एक्ट है उसके अनुसार जो एक्सपर्ट कमेटी बिठा है, एक्सपर्ट कमेटी से बिठा के जो भी रोस्टर रूल जो 100 पॉइंट रोस्टर रूल होता है अरुणाचल प्रदेश राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट का, उसमें तीन पोस्ट निकाला। तीन पोस्ट निकालने के बाद आउट ऑफ 14 पोस्ट थे, टोटल 14 पोस्ट थे, 14 पोस्ट में से थ्री पोस्ट वे रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज कोटा। उसके बाद सो सेक्रेटरी फिर एपीपीएससी ने सेक्रेटरी एजुकेशन को फिर देखा कि यहाँ पे कैटेगरी जो मेंशन नहीं, स्पेसिफिक कैटेगरी मेंशन नहीं किया गया, इसको काइंडली आप लुकअप कीजिए। और कैटेगरी वाइज जैसे कि फोर कैटेगरी होते हैं, ब्लाइंड होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, ऑटिज्म होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, तो अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग ये कोटा होना चाहिए उसके, इसलिए बोला सेक्रेटरी एपीपीएससी ने सेक्रेटरी एजुकेशन को। तो उसके बाद 12 अगस्त उसी साल को एडिशनल सेक्रेटरी जो एजुकेशन का था उस मीटिंग के दौरान पता नहीं वो थ्री पोस्ट कैसे वो एक पोस्ट बन गया है, वो खुद में एक सवाल रहता है। जो थ्री पोस्ट था जो अकॉर्डिंग टू जो रूल जो 100 पॉइंट रोस्टर रूल के साथ जो थ्री पोस्ट था वो वन पोस्ट बन गया, तो वो उसका ये रीज़न वो एक टेक्निकल रीज़न है। वो डिपार्टमेंट वाले एक्चुअली जब भी वो लोग रोस्टर रूल बनाते हैं, जब भी वो पोस्ट क्रिएशन करते हैं, वो लोग कभी भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो पोस्ट होना चाहिए नंबर पोस्ट उसके अनुसार वो लोग पोस्ट क्रिएशन नहीं करते। वो लोग सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ नॉर्मल वाले हैं, जनरल वाले हैं, तो उनको भी पोस्ट क्रिएशन ऐसा करना चाहिए कि फोर पर्सन अगर वहाँ पे वैकेंसी में अगर हम लेते हैं तो 100 सीट्स में से चार सीट्स और चार सीट्स का फर्स्ट चार सीट्स चार ब्लॉक्स का फर्स्ट ब्लॉक में हर फर्स्ट सीट पर्सन विद डिसेबिलिटी को जाना चाहिए। तो ऐसा हो कि तीन पोस्ट से एक पोस्ट हो गया ड्यू टू देयर फाउल प्ले, डिपार्टमेंट का फाउल प्ले के वजह से और एक्सपर्ट कमेटी का यू नो लीनियंसी के वजह से ये सब हुआ, एक पोस्ट बन गया। फिर हमने रिगोरसली इसको फॉलोअप किया। फॉलोअप करके इसने इवन जो हमारा जो अरुणाचल में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स के लिए जो कंपेंसेटरी टाइम होता है, जो सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट होता है, जो 5% मार्क्स रिलैक्सेशन होता है, इसके लिए भी वो एक अपना जो इंडिविजुअल फाइट को करते करते मतलब जो जनरल फाइट है उसका होना शुरू हो गई। इसके विजडम से इसके विथ हर ओन विजडम ये जनरल फाइट करने के लिए इसका मतलब जो एक्टिविज्म अंदर में आ गया कि अरे यहाँ तो सिर्फ मैं नहीं हूँ, यहाँ तो ये जो रूल्स है ये एग्जिस्टिंग है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो ये अभी फ्यूचर का बात है। द गवर्नमेंट नीड्स टू बी मेड अवेयर, ये बहुत अवेयरनेस का जरूरी है, बहुत लोगों को पता नहीं, इसलिए वो रिसर्च खुद ही लॉयर बना, खुद ही आरटीआई एक्टिविस्ट बना, खुद ही रिसर्च किया, तो पूरे चीज़ को जांच पड़ताल करके लास्ट में ये सब कर ही रहा था कि क्योंकि वन पोस्ट था तो वन पोस्ट को क्यों वन पोस्ट थे क्वेश्चन कर करके, लेकिन लास्ट में क्या आप लोग सबको पता है कमीशन का जो डिवाइड एंड रूल टेक्टिक होता है वो लोग एग्ज़ाम नोटिफिकेशन दे देते हैं, तो उसके बाद तो हम एक्सपीरियंस को तो पढ़ना ही पड़ता है, तो अगर नहीं पढ़ा तो अभी जिस चीज़ के लिए फ़ाइट किया तो वहाँ पर हम एग्ज़ाम डिक्लेयर नहीं पाएंगे तो वो हमारा कुछ बेनिफिट नहीं है उसमें, तो एग्ज़ाम डेट ये सब आ जाता है। फिर वो एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम हो जाने के साथ एग्ज़ाम हुआ है हमारा ये 8 मार्च 2022 को एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट वो वाइवा में जो उसके बाद जो सब्सिक्वेंट वाइवा है उसमें जो रिटर्न मार्क्स वो एड नहीं होते, तो जो वाइवा हमारा अप्रैल 20, 21 एंड 22 में वाइवा हुआ था और हमारा सिस्टर का 20 अप्रैल में वाइवा था, तो वहाँ में भी काफ़ी लीनियंसी दिखाया है हमारा जो पैनल्स होता है जो इंटरव्यू पैनल्स होते हैं काफ़ी लीनियंसी के साथ उसको डिसक्वालीफाई किया। तो फर्दर जो डिसक्वालीफाई और उसके बाद जो कोर्स जो पाथ से हमारा सिस्टर को और वॉक करना पड़ा उसको हमारा सिस्टर मैं हमारा सिस्टर को काइंडली मैं बोलना चाहूँगा आप यहाँ से टेक ओवर कीजिए। थैंक यू। तो ये जैसे कमीशन ने जैसे लास्ट प्रीवियस मेरा प्रेस ब्रीफिंग में भी आप लोगों को तो ऑलरेडी डिटेल एक बार बता चुका है, तो जैसे उन लोगों ने अनफेयरली वाइवा में डिसक्वालीफाइड किया था मुझे, इसके चलते
जब कमीशन को चेयरमैन को पूछने गया तो उन्होंने बोला कि 50% क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाने की वजह से डिसक्वालीफाई किया गया उनके, तो इसीलिए मैंने फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल बुक में जो प्रोविज़न दिया है 5% रिलैक्सेशन को, उसको अप्लाई उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सचेता को रिक्वेस्ट किया था कि उन लोगों को लेटर लिखने के लिए। तो सचेता के लेटर लिखने के बाद भी कमीशन ने रिप्लाई देने में 1 month से भी ज़्यादा डिले कर दिया, और बार बार प्रेशराइज करने के बाद ही उन्होंने बेसलेस रिप्लाई दिया कि वो जो 5% रिलैक्सेशन जो शायद रिटर्न में एप्लीकेबल है वाइवा में नहीं है, और ऐसे करके उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो इसीलिए मैंने फिर से जो पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल बुक में जो दूसरा प्रोविज़न है जो रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी जो कहता है कि अगर पोस्ट एडवर्टाइज पोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो एडवर्टाइज पोस्ट से कम पड़ जाता है तो रिलैक्सेशन उस केस में दिया जाना चाहिए इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ना, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ना वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो ताकि वो पोस्ट को फिल किया जाए, तो वैकेंसी जानी नहीं देना वो के। तो इसको हम अभी अपना स्ट्रॉन्ग मेरा पॉइंट बना के हम सचेता को रिपीटेडली अप्रोच करते रहे, और मेरा कहने पर उन लोगों ने ये वेरीफाई करके ये मेरा क्लेम जो वैलिड है, इसलिए उन्होंने कमीशन को लेटर लिखा था कि रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ सुइटेबिलिटी भी मेरे केस में एप्लीकेबल है, जबकि वो 5% रिलैक्सेशन भी एप्लीकेबल था, क्योंकि वो जो जब उन लोगों का कहना है कि रिटर्न में एप्लीकेबल, जब रिटर्न ही नहीं तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि वाइवा में होना चाहिए, ऐसा कहते हुए सेक्रेटरी एजुकेशन ने मेरा बिहाफ में लेटर लिखा कि ये रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी का हिसाब से हम जो फुल्ली इसमें क्वालिफाइड डिजर्विंग कैंडिडेट है बोल के, और हमको सिलेक्शन दे देने के लिए उनको लेटर लिख दिया। लेकिन फिर कमीशन ने इसमें अभी इसका पास एक्सक्यूज़ देने के लिए नहीं था, तो फिर दोबारा उन्होंने एक्सक्यूज़ ये दिया था कि ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है कि उन्होंने टाइम में ये इंस्ट्रक्शन, मतलब सच में ऐसा डिसेबिलिटी रूल का हिसाब से है तो उन लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन लोग को पहले रिटर्न में देना चाहिए था कि ऐसा भी रूल है बोल के, ताकि वो जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसमें वो जो उसमें इम्प्लीमेंट कर देना था, और के ऐसे करके वो फिर से ऐसा एक्सक्यूज़ दे दिया ना। फिर लेकिन बाद में मैंने देखा कि एयर डिपार्टमेंट में 31 मई 2019 में ऑलरेडी उन लोग को इंस्ट्रक्शन दे चुका था, एक ऑफिस मेमोरेंडम भेजा गया ना, APCS को ही नहीं CM ऑफिस में भी गवर्नर ऑफिस में भी जितना भी वो ये अरुणाचल में जो सिलेक्शन बोर्ड है ना सबको एक कॉपी दे चुका है। तो इसका हिसाब से कमीशन वाला तो मेरे साथ तो वो तो मतलब हमको झूठ बोल रहा था, मुझे मतलब वो लोग मिसगाइड कर रहा था ना, तो इसीलिए मैंने फिर दोबारा कमीशन को जो रिप्रेजेंटेशन पहले उसको सबमिट किया था कि रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड और सुइटेबिलिटी के हिसाब से होने से भी हमको कंसिडर करके दे दो बोल के, लेकिन फिर उनका ये एक्सक्यूज़ को हम क्लियरिफाई करने के लिए फिर जब उन लोग को अप्रोच किया था कमीशन को, तो कमीशन फिर बोलता है कि अभी तो उसके पास एक्सक्यूज़ देने के लिए और कुछ नहीं बचा है, तो उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हम लोग से मिस्टेक हुआ है, लेकिन अभी जो भी हो गया रिजल्ट वंस डिक्लेयर्ड हो गया अभी तो इतना समय हो गया ना, तो इसीलिए वो लोग जो बोलते हैं कि फ्यूचर में तुम करो बोल के, फ्यूचर में हम लोग ये अभी से जो भी 5% रिलैक्सेशन जो पहले उन लोग को मालूम नहीं था, कमीशन को भी मालूम नहीं था और किसी डिपार्टमेंट को है, एग्जिस्टिंग रूल है किसी को मालूम नहीं था, लेकिन मेरा ये फाइट का वजह से ये सब रूल भी सामने आया, तो हम जब फाइट करवाया तो वो लोग इसको अभी एक्सेप्ट हो गया ना, अभी अरुणाचल प्रदेश में ये 5% रिलैक्सेशन जो रिटर्न पेपर में अभी से एप्लीकेबल होगा, एयर डिपार्टमेंट में मेरा रिक्वेस्ट पर उन्होंने लिख दिया कमीशन को, तो ये भी अभी इम्प्लीमेंट होगा, ये भी एक नया रूल, नया नहीं एग्जिस्टिंग रूल है लेकिन अभी सबका नॉलेज में आ गया, तो अभी से इम्प्लीमेंट होगा कमीशन ने बोला, और रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड भी इम्प्लीमेंट होगा, तो फ्यूचर में अभी से प्रोविज़न सब दिया जाएगा उसने ऐसा कहा, लेकिन ऐसा करके वो तो मेरा साथ इनजस्टिस कर रहे हैं ना, क्योंकि क्यों इनजस्टिस कर रहा है बोलने से, क्योंकि हम इतना साल से 2018 से जो पोस्ट के लिए इतना तकलीफ उठाया है वो तो वेस्ट में जा रहा है ना, तो वो लोग क्यों मुझे इतना पर्सनली टारगेट किया, वाइवा के टाइम में ही वो लोग ने मेरे साथ इतना इनजस्टिस क्यों किया, सिर्फ इसलिए कि हम जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी का राइट्स के लिए जो प्रोविज़न होता है प्रोवाइड करना है बोल के उन लोग को रिक्वेस्ट किया बोल के उसके लिए, और जब भी रिजर्वेशन होता है जैसे कि ये AE पावर में भी जो रिजर्वेशन नहीं था और JEE में भी
जो पावर जो लास्ट टाइम जो जेई एग्जाम हुआ उसमें भी रिजर्वेशन नहीं था, उन सब के लिए भी कंस्टेंटली हम फाइट करके जेई में भी पावर जेई जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें भी तीन पोस्ट मेरा कंटिन्यूसली फाइट करने की वजह से आया। उसके बाद ये एई में भी अभी प्रेजेंट में जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम जो कि कैंसिल हो गया ये पेपर लीकेज की वजह से, उसमें भी जो दो सीट आया। तो ऐसे कंटिन्यूसली फाइट किए बोल के सिर्फ हमको इतना बड़ा सजा क्यों दे रहा है कमीशन वाला ना। तो यही बात को लेके इसको लेके मैंने जब चीफ सेक्रेटरी को अप्रोच करना शुरू किया कि कमीशन तो अभी तो एक्सेप्ट हो गया कि उसका गलती लेकिन वो फ्यूचर में करेगा कि मेरा साथ इनजस्टिस कर रहा है, तो मुझे जस्टिस दिलाने के लिए जब चीफ सेक्रेटरी को अप्रोच किया तो चीफ सेक्रेटरी तो इनिशियली इतना गुस्सा हो रहा था कि क्यों ऐसा इनजस्टिस किया, तो कमीशन को वो बुरा भी बोल रहा था अच्छा नहीं है ऐसा करके। तो उन्होंने मुझे एश्योरिटी दिया कि 15 डेज का टाइम दो हो जाएगा और के फिर बाद में 15 डेज का बाद आया तो उन्होंने नहीं किया, वो भी एक्सक्यूज देना शुरू हो गया कि अगले वीक कभी वेनसडे को आ बोलता है कभी वो ये 2 वीक्स का बात आओ, ऐसे ऐसे करते करते वो मुझे मिलना ही छोड़ दिया चीफ सेक्रेटरी। तो एक बार मिलने के बाद 15 डेज का एश्योरेंस देने के बाद तो बार बार मतलब ऐसा चीफ सेक्रेटरी को भी अप्रोच कर करके जब नहीं हो पा रहा था तो हम CMO ऑफिस में अप्रोच करना सोचा, चीफ मिनिस्टर को मिलना था। चीफ सेक्रेटरी को जब मिलने के लिए मैंने कोशिश किया तो चीफ सेक्रेटरी का PA ने भी बोला था कि अगर एग्जिस्टिंग रूल को तोड़ा जा रहा है तो कमीशन चाहे ऑटोनोमस बॉडी होने से भी तो CM जो इंटरवेन कर सकता है क्योंकि लेजिस्लेचर जो रूल तोड़ने से वो लोग इंटरवेन कर सकता है बोल के। तो इसलिए PA का तरफ से भी उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया CM को कि हमको एक अपॉइंटमेंट दे दो बोल के, और हम CM को अपॉइंटमेंट के लिए लेटर सबमिट किया। अभी मेरा 5 times हो गया और उसको इतना मिलने का कोशिश किया पर CM से मिलना बहुत मुश्किल हुआ, और CM पर्सनली नहीं मिलके मेरा एक बार मतलब बहुत लेट तक उधर वेट किया था CM ऑफिस में। तो PA का रिक्वेस्ट करने पर उसने ये कहा कि हमसे मिलकर तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो CM है तो उसको रूल्स रेगुलेशन का बारे में इतना उसको तो नहीं पता होगा वो, लेकिन इसमें इंटरवेंट तब करेगा जब चीफ सेक्रेटरी जो उसको ब्रीफ करेगा। तो ब्रीफ करने के लिए उन्होंने लेटर लिखा है चीफ सेक्रेटरी को कि प्लीज़ एग्जामाइन एंड ब्रीफ बोल के। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को पहले 2 महीना पहले लेटर लिख दिया रिटर्न में दिया पर भी चीफ सेक्रेटरी कभी ब्रीफ करने नहीं दिया। जब भी हम CM ऑफिस में जाके पूछता है तो क्यों मेरा अभी तक काम पेंडिंग है बोलने से, वो लोग ये बोल रहे कि चीफ सेक्रेटरी ब्रीफ नहीं कर रहे। तो हम समझ में नहीं रहे कि चीफ सेक्रेटरी क्यों वो जो मतलब अपना ड्यूटी को नहीं कर रहा है। पहले तो स्टार्टिंग में वो इतना नाराजगी दिखा रहा था कि ये तो इतना इनजस्टिस कैसे कर सकते हैं कमीशन बोल के, तो किस रीजन से ऐसे कर रहा है, क्या वो भी मतलब क्या पपेट हो गया क्या किसी का, क्या पॉलिटिकल पावर का अंडर में दबा है क्या, किस रीजन से हो रहा है हम नहीं समझ में नहीं आ रहा है। फिर इसीलिए हम ऑप्शन नहीं हो कि PA को अप्रोच करते करते हम फिर कमिश्नर टू CM को अप्रोच करना शुरू किया। उसको भी 2-3 बार मिलने का बाद उसने बोला कि रिटर्न में चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने बोला कि जब हैंड रिटर्न में दिया है तो नहीं आया तो उसको एक नोटिस भेज दो बोल के। नोटिस में उन्होंने बोला कि चीफ सेक्रेटरी OSDU टू चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने बोला कि ब्रीफ करने के लिए आने के लिए CM को पैक्चुअल पोजीशन को बताने के लिए ताकि CM को क्लियर होके तो वो इंटरवेंट कर सके बोल के, लेकिन फिर भी टेकअप करने के लिए इसको टेकअप करने के लिए पैक्चुअल पोजीशन को उसको ब्रीफ करने के लिए बोला। लेकिन फिर भी CM ऑफिस में जब भी जाता यही बोलता है कि चीफ सेक्रेटरी अभी तक उसको ब्रीफ करने नहीं आया बोल के। तो वो क्यों नहीं आया वो एक क्वेश्चन रह गया, और फिर चीफ मिनिस्टर से भी ये क्वेश्चन रह गया कि इतना टाइम अभी 5 times हम एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं और वो लोग जो भी उसका स्टाफ है CM ने तो सीन कर दिया मेरा लेटर को ऐसे बोलता है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला उसका PS से लेके उसका PA से लेके और कमिश्नर से लेके। तो क्यों CM जो हमको मिल नहीं पा रहे वो भी एक क्वेश्चन है। हम लास्ट मेरा जब CM ऑफिस में जब वो लास्ट टाइम गया तब भी हम उसको PS को भी यही बोला है कि CM को एटलीस्ट ना मेरे लिए कुछ कर नहीं सकने से भी सिर्फ 5 मिनट अपना लाइफ का टाइम में से हमको सिर्फ 5 मिनट्स हमको दे दो ना, इतना लेवल तक रिक्वेस्ट किया। तो तब भी CM से मिलना क्यों इतना मुश्किल है हम लोग का स्टेट में, ये भी एक क्वेश्चन है। तो CM के अगर CM ऑफिस वाला बोलता है कि चीफ सेक्रेटरी ब्रीफ नहीं है तो CM क्यों चीफ सेक्रेटरी को नहीं कहता कि ब्रीफ क्यों नहीं करता है, क्यों इसको सीरियसली एक्शन नहीं ले जा रहा जबकि मेरा साथ इतना इनजस्टिस हुआ है बोल के उन लोग देख ही रहे हैं ना। तो इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है ना कि CM से कि एक बार अपॉइंटमेंट दो सिर्फ मेरा केस बोल के नहीं, बाकी PWD का राइट्स का रिगार्डिंग भी बहुत बात करना है और
बहुत सारा फैसिलिटीज है जो अभी तक हम लोग अरुणाचल में नहीं दिया गया, तो उसके रिगार्डिंग भी हम सीएम सर से बात करना है। और मेरा ये जॉब को अगर वो देगा सोचते तो जल्द से जल्द दो, नहीं देगा तो इतना डिले करके बाद में हम इसको अगर हमको इतना डिलेट कर देगा तो वो जस्टिस मिलकर भी वो नहीं मिला जैसे ही हो जाएगा। तो वही मेरा तरफ से कहना चाहते हैं। थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स, माय सेल्फ ताना सेली, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल अरुणाचल एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर एसोसिएशन। तो वी हैव कम हियर इन द सपोर्ट ऑफ आवर सिस्टर नेम इज मुदांग यावंग। सो हियर एज वी ऑल नो दैट द इविल एक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इट हैज़ बीन रिवील्ड इन पब्लिक डोमेन। द टुडे मैटर हैज़ बीन रीच इन दिस पोजिशन दैट वन ऑफ आवर सिस्टर she has to run from pillar to pillar, from door to door in seeking justice. So यहाँ पर in this चीज़ में ये देख रहा है कि जो हमारा पर्स ऑफ आई लाइक टू हाईलाइट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर ये हुआ है कि जो तो एडवर्टाइजमेंट 26 नवंबर 2018 को एडवर्टाइजमेंट होता है लेक्चरर का, जो कि पॉलिटेक्निक में आता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड केमिकल। तो इस पर पर्स ऑफ ऑल हमारे यहाँ पर तो एक पर्स एरर जो कमीशन का तरफ से ये था कि इस पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। तो इस पर पीडब्ल्यूडी के लिए हमारा जो संविधान में बहुत सारा ऐसा अमेंडमेंट होता है इसके लिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन के लिए, तो जब हमारा सिस्टर ने इस पर जब एफोर्ट डाला तो एफोर्ट भी इसने इतना डाला कि उसको मुश्किल से एक पोस्ट रिजर्वेशन के लिए, पर्स में तीन इस पर जो काउंटिंग में तीन पोस्ट आता है लेकिन बाद में वन पोस्ट सिर्फ उसको सौंप किया गया। तो इस पर यह होता है कि जो हमारा जो एस पर अरुणाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल 2018, इसका अंदर में ये कहता है कि देयर हैज टू बी अ रिलैक्सेशन विद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, 5% रिलैक्सेशन होता है। तो हमारा सिस्टर इज वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड पर्सन, सी हैज बीन पास आउट फ्रॉम दी वन ऑफ द रेपुटेड इंस्टीट्यूशन दैट इज नियरेस्ट। तो इसने अपना जो एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्किंग किया, तो इसका जो मार्किंग में उसका जो तो मार्किंग अच्छा मार्किंग आया, लेकिन जो कमीशन जो है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हमेशा स्टूडेंट का साथ, जो जेन्यून स्टूडेंट का साथ डिप्राइव करते आया है। तो जेन्यून स्टूडेंट का जो राइट को हमेशा चिंता आया है। तो इसमें ये आ रहा है कि जबकि हमारा जो सिस्टर ने इसने दो स्टेज से गुजारा है, एक स्टेज जो है आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट, उसका बाद बायबा टेस्ट। रिक्रूटमेंट टेस्ट में इसने बहुत अच्छा मार्किंग लाया, तो इसको बायबा में इंटेंशनली इसको बायबा में इसको मार्किंग को कम करके इसको इंटेंशनली इसको आउट करने का कमीशन ने एक इविल एक्ट उसने रचा है। तो इस पर जब हमारा सिस्टर ने जब इस चीज़ को एक दौर से दूसरा दौर उसको हर एंगल से गुमराह करते गया, कमीशन से लेके उसको इवन जो यहाँ पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये भी इस चीज़ में क्वेश्चनेबल होता है कि इवन जो हमारा सिस्टर को इसका राइट के लिए, इवन जो सी इस पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऐसा पर्सन को एक दौर से दूसरा दौर क्यों दोहराया गया है। तो जब इसने इतना एफोर्ट डाल के यहाँ पर आप लोगों का पास बहुत सारा ऐसा होगा कि इतना सारा मोटा एविडेंस का डॉक्यूमेंट्स इसने कलेक्ट करके लाए अपना राइट को जानने के लिए, इसको जगह जगह आरती मार के अपना राइट को निकालना पड़ा। तो ये जो चीज़ जो है कमीशन इसका साथ बहुत एक ऐसा गंदा खेल इसका साथ खेला गया। तो जब इसने इतना एफोर्ट डालने का बाद इवन जो आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल, ये डिपार्टमेंट से भी एक रिकमेंडेशन लेटर कमीशन को किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को किया है कि सी इज़ द जेन्यून पर्सन टू बी एब्जॉर्ब इन दिस पोस्ट। तो इसको वहाँ से भी रिकमेंडेशन लेटर मिला है, फिर लेकिन जो कमीशन है उस चीज़ को क्यों नज़रअंदाज किया है। तो जब इसने इस चीज़ को, जब इसको जस्टिस नहीं मिला, तो इसने इवन चीफ सेक्रेटरी को बहुत बार मिलने किया, सीएम को मिलने किया, लेकिन उसको वहाँ तक भी उसको डिनाई किया गया, उसको मिलने के लिए मौका तक सीएम और चीफ सेक्रेटरी भी इसको मिलना ज़रूरी नहीं समझा। तो ऐसे होने के बाद अभी हमारा जो जब इसने ये किया, इतना जब लास्ट एयरपोर्ट में सीएम जो है चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया कि इसका जो मैटर को है अब ब्रीफ करने के लिए, तो चीफ सेक्रेटरी को ऑलरेडी हमारा सिस्टर तो मिल चुका है, तो चीफ सेक्रेटरी इसको इवन एश्योरेंस भी दिया है, इवन 15 डेज का टाइम दिया है कि आपका प्रॉब्लम जो है विद इन 15 डेज सॉल्व हो जाएगा, कि यू आर वेरी जेन्यून पर्सन, यू आर टू बी
एब्जॉर्ब इन दिस पोस्ट, इसके लिए बहुत ये है क्योंकि उस पर जो एक पोस्ट कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के लिए जो रिजर्व था उस पर और कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था। तो जब दूसरा कैंडिडेट नहीं है तो इसको एब्जॉर्ब करने में क्या प्रॉब्लम होगा? तो अभी जो ऐसे देख रहा है कि जो चीफ सेक्रेटरी जो है अभी चीफ सेक्रेटरी भी अभी इस चीज़ को लेके कम्प्लीटली म्यूट है, वो इस चीज़ को लेके हमारे सिस्टर को कोई जवाब नहीं दे रहा। तो अभी जब हमारा सिस्टर फिर अप्रोच किया तो इसमें ये मैटर आ रहा है कि जो अभी फिर इन लोगों का एक नया ड्रामा निकलता है इस चीज़ में, ये है कि APCS का अभी चेयरमैन नहीं है तो ये उनका एक अभी नया ड्रामा चल रहा है। तो लेकिन इसमें ऐसा है जो नया ड्रामा ये रच भी रहा है ना, लेकिन इसमें ऐसा है अंडर आर्टिकल 317 में सब रूल फोर जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आर्टिकल 317 का सब रूल फोर में उसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि अगर इन केस अगर चेयरमैन अगर एब्सेंट होता है किसी रीजन से तो उस पर आपका जो आदर्श मेंबर जो है वो चेयरमैन का जो अथॉरिटी को है उसके पास ऑटोमेटिकली चला जाता है और वो ऑथोराइज करके इसका काम कर सकता है। लेकिन अभी भी जो है कि बहन हमारा सिस्टर को अभी भी यहाँ पर जस्टिस नहीं मिल रहा है। और अभी यहाँ पर एक और एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि जो यहाँ पर APCS का जो गाइडलाइंस का ना 2017 रूल नंबर 44 क्लोज 5 में ये लिखा गया है कि इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय इंटरव्यू ए मिनिमम 50% ऑफ द टोटल मार्क फॉर द इंटरव्यू हैव टू बी ऑब्टेन्ड फॉर द कंसिडरेशन फॉर सेलेक्शन। तो इसमें ये रूल में ये मेंशन किया है कि जो 50% जो है ये लेके आना है, लेकिन वो 50% जो इसमें ये सवाल आ रहा है कि 50% जो है किसके लिए है? आपका एक PWD के लिए है ना, आपका नॉर्मल जनरल कोई भी कैंडिडेट उसका लिए? क्योंकि आपका 50% में आप जब डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा तो इसका PWD का जो कैटेगरी में आने का क्या फायदा है, जबकि नॉर्मल के लिए भी आपने 50% रखा है। तो एक PWD के लिए आपने क्यों 50% नहीं रखा है, क्यों 50% रखा है? तो ये चीज़ में अभी ये और सवाल इसमें इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि आपका जो PWD के लिए आपका जो APCS या ये में आपका जो ये PWD जो कैंडिडेट के लिए जो एक एक्सिस्टिंग रूल होता है उसमें ये होता है कि 5% रिलैक्सेशन होता है। तो 5% रिलैक्सेशन में आपका ये होता है कि आउट ऑफ 50 जो नॉर्मल के लिए 50 होता है 5% का रिलैक्सेशन, 5% रिलैक्सेशन मतलब इसका जो है कट ऑफ जो है आपका 45 में गिरता है। तो जो 50% जो ये आपका जो APCS का जो एलिजिबिलिटी है वो PWD के लिए आपका 45 में आता है। तो हमारा सिस्टर ने इस पर 46.5% इसने स्कोर किया। तो दैट मीन्स आपका जो कमीशन ने जो रूल सेटअप किया उससे भी ये एलिजिबल होता है। तो यहाँ पर देख रहा है कि हर एंगल में हमारा सिस्टर जो है हर एंगल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर कमीशन जो है किस चीज़ के लिए इसको डिनाई कर रहा है? अभी जो यहाँ पर देख रहा है कि हमारा सिस्टर जो है कि इसका पास जो एक्चुअल में ये PWD कैंडिडेट है, तो अभी यहाँ पर कमीशन जो है वो फोर्स को इसको दे भी नहीं रहा है, वो फोर्स को किस लिए अभी वहाँ पर स्टिल वो वैकेंसी में रखा है? और जो बात हम कह रहे हैं कि ये जो क्या हम कमीशन से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आप लोग तो हर बार अभी तो आप लोग का जो गंदा हरकत है वो तो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। आप लोगों ने कितना ये जेन्यून कैंडिडेट पूर्ण एक्सपीरियंस का साथ लाइफ का साथ आप लोग खेला है वो तो आपका पब्लिक डोमेन में रिवील हो चुका है। तो क्या आप लोग के PWD जो फिजिकल डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट होता है उसका भी हक को आप लोग छीन लेगा क्या? तो ये सवाल आप दे ये जो अभी ये जो हमारा PWD का जो रिजर्व उसको आप किसके लिए उसको आप ये करके रखा हुआ है, किसके लिए किसको आप एब्जर्व करवाना चाहते हैं? आप लोग क्या अपना जो रिलेटिव की तनकीन केल उसके लिए बचा के रखा है क्या? जो नॉर्मल पर्सन होता है आप लोग का तो एक गंदा केल है, जो नॉर्मल पर्सन होता है उसको आप लोग ऐसे प्रोक्सी में आप लोग उसको डिसेबल पर्सन बना देता है। आजकल तो डिसेबल सर्टिफिकेट मिलना तो एक एक बाएं हाथ का केल होता है, कहीं भी जाओ किसी भी डॉक्टर ऐसे आप डिसेबल प्रोक्सी तो कोई बनवा लेता है। तो क्या आप जो है अभी तक ये सिस्टम को क्या आप लोग जो है जो जेन्यून को छोड़ के आप लोग अपना की तनकीन को प्रोक्सी में डिसेबल बना के उसको एब्जर्व करने के लिए अब ये पोस्ट को रिजर्व करके रखा है क्या? ये सवाल हम कमीशन से पूछना चाहेंगे। और उसके बाद हम यही कहेगा कि हमारा जो सिस्टर का जो है एवरीथिंग सी पोसेस टू बी
absorbed in the said post of the lecturer of the polytechnic in the field of electrical department. तो इस पर हम यही कहेगा, जितना भी हम लोग का जो CBOs होता है, जो सोशल वर्कर होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, यू ऑल हैव टू कम अप. हमारे सिस्टर का साथ आज जो है बाइसनेस किया जा रहा है, जो इसका राइट को छीना जा रहा है, जो कमीशन जो है, जो सालों से जो गंदा हरकत करते हैं, आज इतना तक आ गया कि इवन जो आपका पी दलूदी कैंडिडेट का जो पोस्ट को भी उसने इसको तक नहीं छोड़ा. तो इट्स वेरी शेमफुल एक्ट. तो हम इसको रियली हम दिल से कंडम करता है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सन आप सब इसको आके इस चीज़ को सपोर्ट करना है, हमारे सिस्टर को जस्टिस दिलाने के लिए. और मैं चाहूंगा कि जो अभी आप अगर हमारे जो मुख्यमंत्री CM पेमा खांडू जी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो हमारा जो सिस्टर के साथ जो बाइसनेस किया जा रहा है, इस चीज़ को आप कंसर्न लेके इसको आप जो जस्टिस जो है जल्द से जल्द दिलाए. और एल्स अगर आप जस्टिस नहीं दे पाता है, वी विल एज्यूम दैट दिस इज टू बी द डार्केस्ट हावर इन द हिस्ट्री ऑफ जस्टिस टू एनी डिसेबिलिटी पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश. हम ये एज्यूम करेगा और इसको हम मानेंगे इट्स पैरोडी ऑफ जस्टिस. ये जस्टिस का मजाक हो रहा है, जस्टिस का मर्डर हो रहा है, हम इसको ये एज्यूम करेगा. और अल्टीमेटली एज पर मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ, हमारे यहाँ पर और भी बहुत सारा डिपार्टमेंट का यहाँ पर एकजुट है. वी विल गो फॉर एन डेमोक्रेटिक मूवमेंट. ये हम कह रहे हैं कि अगर आप इस जस्टिस को विद इन नो टाइम अगर आप हमारे सिस्टर का साथ जस्टिस नहीं देता है, डेफिनेटली वी विल गो फॉर ए डेमोक्रेटिक मूवमेंट. थैंक यू. दैट्स ऑल. तो शॉर्ट में आप बता पाएंगे कि आपका जो आपका साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, बोला है आप खुद को क्वालिफाइड मानते हैं एज ए लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक, तो उसमें आपका दो तीन पॉइंट्स में आप बता दीजिए कि किस किस चीज़ में आप क्वालिफाइड आप फील करते हैं और वो चीज में क्यों इनजस्टिस हो रहा है, क्या क्या चीज़ में इनजस्टिस हो रहा है. तो पहले तो हम क्वालिफाइड इसलिए हैं क्योंकि जैसे कि सीट तो लोग ने सिर्फ एक ही रखा, तो हम वन कैंडिडेट है ना. तो जैसे वो कमिश्नर का अपना डिस्क्रिशनरी पावर है ना, वो तो PWD नॉर्मल कैंडिडेट उसको काउंट नहीं करके जनरल एक रूल है ना. तो कमिश्नर का अपना एक डिस्क्रिशनरी पावर है, तो जिससे वो उन लोग जब पोस्ट एडवर्टाइजमेंट से क्वालिफाइड कैंडिडेट कम पड़ता है तो वो लोग जो रिलैक्सेशन दे के वो पोस्ट को फिल कर सकता है ना. तो गाइडलाइन ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2007 जो कमीशन का अपना रूल मेड वाला है, तो उसमें अगर हमको ऐसे PWD नहीं देखा जाने से भी ना, ऐसे नॉर्मल पर्सन देखा जाने से भी उसमें हम क्वालिफाइड एलिजिबल हो जाता है, तो जो कि वो अपना वो डिस्कशनरी पावर तो अप्लाई ही नहीं कर रहा है. और दूसरा बात तो सेपरेट कट ऑफ मार्क्स होना चाहिए ना, सेपरेट कट ऑफ मार्क्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी और जनरल का ST का जैसे UPSC पैटर्न, तो उसका तो जैसे हम रिप्रेजेंटेशन कमीशन में सबमिट किया है, ये पॉइंट वाइज मेंटेन करके हम उसको 5 points मेरा क्वालिफाइड होने का 5 points रीजन दिया है. तो उसमें से वन ऑफ द पॉइंट वॉज सेपरेट कट ऑफ मार्क्स ना शुड बी मेंटेन ना. उसमें अगर कट ऑफ मार्क्स सेपरेट होता है तो उसमें तो मेरा तो कभी 50% लाने का तो होगा नहीं है, तो उसमें भी हम क्वालिफाइड हो जाते हैं. जैसे UPSC में तो आप लोग तो सब जानते हैं कि कट ऑफ मार्क्स तो डिसेबिलिटी लोग का जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो इच कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी लाइक ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर, सबका सेपरेट क्वालिफाइंग मार्क्स होता है. कट ऑफ मार्क्स हर साल निकालता है, क्वालिफाइंग मार्क्स तो बिलो होता है एज कम्पेयर टू ST जनरल कैंडिडेट बिलो होता है, लेकिन फिर वो कट ऑफ मार्क्स जो वेरी करता है ना कंपटीशन का हिसाब से. तो हर साल जो UPSC जो रिजल्ट आउट करता है उसमें सबका कट ऑफ मार्क्स दिखा के करता है. तो जो कि हम लोग का ये कमीशन ने APCS ने कभी मेंटेन ही नहीं किया. लास्ट टाइम 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी हम कमीशन को बार बार रिक्वेस्ट किया था कि सेपरेट कट ऑफ मार्क्स जब रिजल्ट डिक्लेयर करते समय दिखाओ बोल के, मेरा एप्लीकेशन सबमिट किया वाला आज भी है. तो उसको भी वो लोग ने नहीं किया. जब रिजल्ट डिक्लेयर किया उन्होंने डायरेक्ट कॉमन में रखा ना, PWD ये जनरल है और ये APST ऐसा रखा, लेकिन कट ऑफ मार्क्स सेपरेट से तो नहीं दिया ना, ऐसे है. तो उसमें उस कतरों से भी हम क्वालिफाइड होता है. और दूसरा तो जो ऑफिस मेमोरेंडम जो एक ऑफिस मेमोरेंडम आया था ना लास्ट टाइम जो अंशु वाला करके, जिसमें 45 marks जो हटा दिया था डायरेक्ट, जब उतना लेवल तक कर सकता है सिर्फ इंडिविजुअल पेपर में 33 marks लाने के लिए क्वालिफाइंग के लिए, जब रिटर्न का केस में वो लोग इतना डायरेक्ट 45 marks को डायरेक्ट स्क्रैप आउट कर सकता है, तो फिर
क्यों वो जो भाईवा में जो जरा सा 1.5 मार्क्स के लिए हमको इतना वो 2.5 मार्क्स सॉरी उसके लिए हमको इतना वो कर रहे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अगर प्योरली वाइवा कंडक्ट करता तो हमको तो इसका ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि रिक्रूटमेंट टेस्ट में तो मैंने भी अच्छा परफॉर्म किया है ना, इवन कमीशन एक्सेप्ट किया, उन्होंने खुद कमीशन ने बोला है कि रिक्रूटमेंट टेस्ट में तो मैंने नॉर्मल कैंडिडेट से का हिसाब से भी बेटर किया ही है, तो तुम तो वन ऑफ द ब्रिलियंट कैंडिडेट है तो तुम इसको भूल जाओ, हमको ऐसे बोला। आगे फ्यूचर में जो एग्ज़ाम आएगा उसको फोकस करो, क्योंकि तुम्हारा तो सिलेक्शन होना तो चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसे बोल के हमको कन्विंस किया जा रहा है, तो ये तो सही नहीं है ना। और दूसरा बात कि अगर कमीशन ने अगर उन्होंने पोल प्ले नहीं किया है, अगर उन्होंने प्यारली वाइवा कंडक्ट किया तो क्यों वो लोग इविडेंस को एक भी इविडेंस नहीं रख रहे ना। तो उन लोगों ने तो वाइवा मार्कशीट को भी तो हमको लास्ट टाइम हम प्रेस ब्रीफिंग में बताया किस तरह से हमको बोला कि आरटीए सेक्शन के अंदर में वो इतना इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक सेकेंड अपीलेट हियरिंग तक पहुँच के हम प्रूव कर दिया कि वो एक्सेसिबल है बोल के ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल किया कि वाइवा मार्कशीट जो एक्सेसिबल है, तो बाद में उन लोगों को रीज़न इंफॉर्मेशन कमीशन लोग पूछने पर उन लोगों ने क्या किया क्यों ऐसा कर रहे बोला है, तो सेक्शन 8 का अंडर में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वाइवा मार्कशीट जो एक्सेसिबल नहीं है बोल के। तो उन्होंने ये बोला कि तुम ही पहला एक ही ये पहला कैंडिडेट है जो ऐसा केस आ रहा है कि वाइवा मार्कशीट मांगना पड़ रहा है ना, अगर आज इसको प्रोवाइड कर दिया तो कल दूसरे लोग आएगा ना, इसलिए तो इससे क्या साबित हो रहा है वो लोग इतना ओपेक क्यों कर रहे चीज़ को, तो होल्ड प्ले तो कर ही रहे, तो इसीलिए ये भी एक फैक्टर है ना जिससे हम कह सकते हैं कि अगर उन लोगों ने पीएलई एग्जाम कंडक्ट करता तो आज हमको ये रिलैक्सेशन का भी जरूरत नहीं पड़ना था। और दूसरा बात 5% रिलैक्सेशन को वो लोग डिनाई कर रहे हैं, वो बोलता है कि वो जो रिटर्न के लिए बोल के, जब रिटर्न ही नहीं तो वाइवा में एप्लीकेबल होना चाहिए ना। और इसीलिए लास्टली होपलेस होके हम जो क्या करेगा बोल के और भी फर्दर रिसर्च करके जब रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी आया उसमें तो तारीख क्लियर कट लिखा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ना, ये ऑफिस मेमोरेंडम जो 31 मई 2019 में जो एआर डिपार्टमेंट ने पब्लिक कमीशन को जो ऑलरेडी दिया हुआ है उसमें क्लियर कट लिखा है कि इफ सफिशेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ जनरल स्टैंडर्ड टू फिल ऑल द वैकेंसी रिजर्व फॉर देम, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी may be selected on relaxed standard to fill up the remaining vacancy reserved for them provided they are not found unfit for such post. यहाँ हमें क्लियर कर लिखा है कि सीट वैकेंट जाने नहीं देने के लिए उसको रिलैक्सेशन देना चाहिए ना, इन दैट केस जब कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला जो ना, तो इसमें भी क्लियर कर लिखा, यहाँ तो अभी रिटर्न या वाइवा का डाउट ही नहीं, इसीलिए इसको लेकर भी हम क्वालिफाइड हो ही जाते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिकल कर ले ना, हाँ कमीशन को देखिए अभी तो कमीशन तो डिपार्टमेंट लेवल में जो देखो स्टार्टिंग से बोलेगा तो 2018 से तो आप लोग को तो हिस्ट्री पता ही है। नहीं देखिए इसमें देखिए सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं होगा, मैं जैसे बोल रहा हूँ अवेयरनेस का जो प्रॉब्लम है, रूल्स आर ऑल देयर, सब है हाथ में है सब कुछ, बस उसको एक्शन में लाना है, सब रूल्स है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2018 वो तो है ही, प्लस इतने सारे रिलैक्सेशन है, आप लेक्चर का उठा के देखिए जो भी प्रोविजन्स है हर चीज़ में, आप रिक्रूटमेंट रूल्स जो कॉमन ई लेक्चर ग्रुप का हर चीज़ में ओएम में हर चीज़ में सब कुछ है, लेकिन बस सिर्फ अभी फ़िलहाल बस एजुकेशन डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट से शुरू हुआ ये जो भी सब कुछ जो भी डिप्राइवेशन है सबसे, वो लोग रोस्टर रूल अच्छे से मेंटेन नहीं करता है रोस्टर रूल। तो चीज़ को आपने जो हम लोग कंसर्न मिनिस्टर है इसका ऊपर में बात करके देखा उसको क्या है मिनिस्टर को वो मिल ही नहीं रहा, रिप्रेजेंटेशन तो मैंने 5 टाइम सबमिट कर दिया ना रिप्रेजेंट नहीं, ओ एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं, उनसे तो बात नहीं किया उनसे तो नहीं नहीं, उसमें देखिए उसमें रूल्स होते हैं जो अरुणाचल प्रदेश पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2018 में रूल्स होते हैं, एक्सपर्ट कमेटी होते हैं जो लोग भी कितने सीट्स होना चाहिए हर कौन से डिपार्टमेंट में ना, वो एक्सपर्ट कमेटी होते हैं, तो वो चीफ सेक्रेटरी लेवल होते हैं, चीफ सेक्रेटरी लेवल वो हेड है उसका जो चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी, तो उनके साथ जो भी 100 पॉइंट रोस्टर रूल है ना उसको 3 सीट्स निकल गया था जो कि रूल्स है अकॉर्डिंग टू रूल्स, उसके हम खुश थे, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में आया नहीं, फिर 2-3 मंथ्स गैप होके फिर 1 पोस्ट बन गया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो डिपार्टमेंट वाले पोस्ट क्रिएशन जब करते हैं तो वो लोग
पश्चिमी दिशा निर्देश का सीट को वो लोग नज़र में रख के नहीं करते, इसलिए अभी ऐसा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, जो आप जो रूल्स का बात कर रहे हैं ना, तो जैसे कि पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट में मतलब कुछ कुछ जो प्रमोशन है उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स क्लियर नहीं है, तो आप लोगों को उसके बारे में कुछ पता है? नहीं, फिलहाल हम प्रमोशन के बारे में अभी कुछ बोल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट में बना सकते हैं। प्रमोशन का भी जैसे जब से मैंने ये रिजर्वेशन का मेरा जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ, तो बाकी पीडब्ल्यूडी एक दो तो जो लोग भी डिप्राइवेशन फेस किया तो हमको अप्रोच किया है ना, तो एक कैंडिडेट बोल भी रहा था कि प्रमोशन में ना उन लोग को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, तो हमको हेल्प करने के लिए बोल रहा था। जिस तरह से मैंने कैसे सिक्वेंसल फाइट किया है ना प्रोसीजर उसको बताने के लिए बोला था, तो हम भी प्रमोशन का बारे में तो आज तक प्रमोशन वाला प्रॉब्लम फेस करके नहीं दिखा, तो इतना हमको भी नॉलेज में आ रहा है कि प्रमोशन में भी हो रहा है डिप्राइवेशन ना, तो उसमें भी वो हर जगह हो रहा है और रूल्स है, लेकिन रूल्स है। अभी आप बोल रहे एजुकेशन मिनिस्टर तबाता दिन लोग का ना, जब उन लोग को जाने से तो उन लोग यही बोलेगा कि उन लोगों ने तो रूल्स रेगुलेशन तो बनाया ही है ना, इस तरह लोग उन लोग को ड्यूटी करना है ना, और जो और रूल्स जो एग्जिस्टिंग रूल को होते हुए किसी को अवेयरनेस का भी प्रॉब्लम है, किसी को पता नहीं चल रहा है ना। और दूसरा बात ये कि अवेयरनेस नहीं होने की वजह से डिपार्टमेंट वाला या कमीशन वाला ये दोनों ही मिलके डिसेबिलिटी का जो सीट्स है ना उसको बहुत गंदा तरीका से मिसयूज़ कर रहा है, क्योंकि वो लोग जो जेन्युइन पीडब्ल्यूडी ने उसको वो लोग दे देता है ना, और जेन्युइन पीडब्ल्यूडी को इस तरह से डिप्राइव करता है। क्यों रीज़न हो सकता है? एक ही रीज़न हो सकता है ना, क्योंकि जेन्युइन नहीं वाला तो पैसा दे देगा ना, पैसा तोस देगा ना उन लोग को, इसलिए ना आप लोग तो खुद देखा है कमीशन वाला तो अभी पैसा के लिए ही किया ना, जो भी एग्ज़ाम किया है ना, तो इसीलिए हम समझ में नहीं आता आज तक कि क्यों जेन्युइन जो दिखता भी नहीं पीडब्ल्यूडी उन लोग को उल्टा सीट मिलता है, और हम लोग जैसे जेन्युइन वाला को उल्टा मिल ही नहीं सकता, हम ऐसा सोचता था, लेकिन आज हमको समझ में आया कि पैसा का चक्कर है। तो शायद उस टाइम में इनिशियली जब हम राइट्स के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए जो हम इतना फाइट करने से पहले ही हम पैसा ऊपर कर देने से, तो आज हमको ऐसा ये दिखना नहीं पड़ना था ना। जब टीचिंग लर्निंग का बात आता है तो हम लोग का जो अरुणाचल स्टेट को रिप्रेजेंट करके हम लोग का स्टेट में जो यूनियन है आंसू और आपसू, आप लोग का जो फेलियर हो रहा है, आप लोग का सक्सेस नहीं मिल रहा है, आप लोग का जो भी अपना मूवमेंट कर रहा है, तो उसमें आप लोग का फेलियर जो आंसू और आपसू का फेलियर भी है, उन लोग को जब मैंने इनिशियली जब अप्रोच किया था, पहले तो हम जब मेरा ये डिप्राइवेशन हो गया था तो तब गवर्नर लेवल से अप्रोच करने के लिए कोशिश किया था, तो गवर्नर को भी मिलने के लिए तो बहुत स्ट्रगल किया ना, उसके बाद उसको जैसे तैसे अपॉइंटमेंट मिलने पर तो गवर्नर सर ने ये कह रहे कि मेरे साथ इनजस्टिस तो हुआ है, फिर वो हमको कोर्ट केस करो बोला था ना, जो कि मतलब बहुत टाइम टेकिंग और मेरे लिए तो इतना मतलब वो अफोर्डेबल भी नहीं था, तो लेकिन स्टार्टिंग में कोशिश भी किया था हम, उधर से इतना इफेक्टिव नहीं हुआ था तो इसलिए आगे आया है ना, तो तब गवर्नर से ऐसा होने का वजह हम अंसूर अफसू को अप्रोच किया था, तो उस टाइम में स्टार्टिंग में वो अफसू भी हमको जब उसको अप्रोच किया था लगातार अप्रोच करते रहे, तो उसने एश्योरिटी दिया था कि वो मेरा मेटर को टिकअप करेगा बोल के, तो जब बाद में उन्होंने इसको उसको मैंने आपसू को यही रिक्वेस्ट किया था कि सर आप इसमें मेरा मेटर में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकने से भी हमको एक बार ही ना सीएम से अपॉइंटमेंट दिला दो बोल के, ये हम उसको बोला था, तो सर जो सीएम को आपसू प्रेसिडेंट सर ने भी हमको बहुत बार बोला था कि वो बिजी है, और बाद में वो जो सीएम से एक दिन ज़रूर मेरे लिए डिस्कस करेगा, और फिर बाद में आपसू प्रेसिडेंट सर ने ऐसे बोला था कि सीएम सर जो बोला कि कमिश्नर सर लेवल में बात कर लो बोल के उसको जाके, तो इसलिए वो कमीशन से मेरे लिए बात कर देगा बोल के एक दिन कमीशन में हम लोग साथ में जाने का था, लेकिन आपसू सर का भी शायद बहुत सारा इशू है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो शायद इसलिए वो टाइम नहीं निकल पाता होगा, वो तो हम उसको कंप्लेन नहीं कर देगा, तो फिर उसके बाद वो बाद में एक बार हमको कमीशन से कोई मेंबर से भी बात करा के ना मेरे केस में रिगार्डिंग डिस्कस कराया था, तो कमीशन का कोई मेंबर यही हमको बोला कि फ्यूचर में अभी से जो आप उनको बोला है ना फ्यूचर में अभी से ये सब इम्प्लीमेंट होगा बोल के ना, तो अभी से वो सब के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ, और ऐसे भी तो तुम तो ब्रिलियंट कैंडिडेट में से आता है तो मिल ही जाएगा कभी ना कभी, जो ये एश्योरेंस दिए कि छोड़ दिया था ना, और बाद में आगे उसके बाद जब मेरा लास्ट टाइम प्रेस ब्रीफिंग हुआ उसके बाद
अंशु प्रेसिडेंट को भी बहुत अप्रोच किया था इससे पहले, प्रेस ब्रीफिंग से पहले, तो अंशु प्रेसिडेंट भी यही बोला था कि वो जो मतलब शायद उसका भी वो अभी वो तो रीज़न ये देता है कि मतलब बहुत सारा उसका पास केसेस आता है ना, इसका वजह से वो जो मेरा केस को सीरियस नहीं ले पाया था और इसलिए हमको बोला था कि तुम ये तो तुम्हारा पर्सनल केस है तो खुद ही करने से ठीक है बोल के ना, तो इसलिए वो फोन कॉल में ऐसे सीरियसली नहीं लेके बोल दिया ऐसे टाइप से वो बोल के हमको प्रेस ब्रीफिंग का बाद एक बार वो बुलाया था उसका वहाँ में, तो ऐसे करके वो लोग भी मतलब अभी अंशु प्रेसिडेंट का टच में जो एक टू सर रहता है ना वो भी यही बोला कि अंशु प्रेसिडेंट लोग भी अभी बहुत लाइक इशू चल रहा है तो एपीसीएस पीएस को लेके, तो इसके लिए बहुत बिजी हो रहा है ऐसा ना, तो ऐसा करके ऐसे ही टाइप से बोला गया ना अभी तक। तो पर्सन पीडब्ल्यूडी इंडिविजुअल्स के लिए आप लोगों को कुछ यूनिट्स वगैरह भी होता है? वो सब यूनियंस को एक्चुअली क्या बोलने से हम 2016 से ही हम यूनियंस को ढूंढना शुरू हुआ था 2016 से, इसलिए ढूंढना शुरू किया था क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है उसका तो मतलब ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी हो रहा है, मेरा भी ज़्यादा है, इसलिए मेरा लेवल का भी लोग एजुकेशन में नहीं जाता है, अच्छा पढ़ाई नहीं करता है, तो मेरे कॉलेज में सब कॉलेज में मेरा कॉलेज में मेरे इंस्टीट्यूट में सब बोला था कि हम जो जिस लेवल से है मेरा डिसेबिलिटी है तो हम जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ऐसा कोई अभी तक नहीं किया बोल के ना, और हमें जो पास इतना तकलीफ से कर रहा है बोल के ना, तो इसे करके और मेरा फ्रेंड जो मुझसे भी ज़्यादा डिसेबिलिटी है हाथ भी खराब है उसका, तो इसलिए वो जो उसको देख के हम जो चाहता था कि अरुणाचल में रिफॉर्मेशन आए चेंजेस आए तब से लेके हम ये डिसेबिलिटी एसोसिएशन को बहुत अप्रोच किया ना कि एक स्कूल खोल दो डिसेबल लोग के लिए अलग से ना, ताकि मेरे फ्रेंड जैसे जो लोग आश्रम में पढ़ा हुआ है ना वो लोग भी पढ़ाई करने मिले, और उसका आगे चलते चलते मेरा राइट्स का भी जब फाइट आ गया था तब भी हम बहुत बार अप्रोच किया, तो मेरा मेथर को लेके भी वो लोग जो टेक्निकलिटी को इतना भी नहीं समझता है ना, जैसे कि अभी जो ऑल अरुणाचल पर्सन वेलफेयर सोसाइटी जो जिसमें जो दामिन कायू लोग ये वगैरह है ना वो और वो लोग जो थोड़ा समझ नहीं पाता है ना टेक्निकलिटी को, और वो लोग मेन लाइक ये स्कीम वगैरह का ना जैसे ओल्ड एज पेंशन ये सब वगैरह का वो लोग इशू को रेज कर सकता, लेकिन मेरे इसको घुसने के लिए शायद टेक्निकलिटी ज़्यादा चाहिए होता होगा तो इसलिए भी नहीं समझ रहा होगा, और प्लस वो लोग थोड़ा मतलब ऐसा वाला ना प्रॉफिट मोटिव भी है एक तरफ से, तो हम इतना भी ब्लेम नहीं कर देगा। आपको क्या लगता है आप फर्दर स्टेप क्या उठाना पड़ेगा? फादर क्या स्टेप उठाना चाहिए उनके? फादर स्टेप तो ये हम लोग का ये सर बोल ही चुका है, अगर ऐसे नहीं लेता है बोलने से हम लोग धरना बैठेगा बोल के, इसलिए हम लोग सब साथ में आया है, अलग अलग हम लोग डिपार्टमेंट का एग्जाम्स का है, सब हम लोग साथ में आके हम लोग इसको साथ देगा बोल के हम लोग आया हुआ है, क्योंकि इसका मेथड बहुत सीरियस है, और ये ऐसे नहीं है कि हम लोग जस्ट ऐसे आ गया, एक डिसेबिलिटी पर्सन को इतना दोहरा रहा है जो एक ऑफिस में सीधा काम जो होना था उसको दो तीन बार दोहरा रहा है, और जो ये डिमांड कर रहा है ये ऐसे ही डिमांड नहीं कर रहा है, जो वो रिजर्वेशन वो लेके आया है जो कोटा लेके आया है वो भी ये खुद ही वो जाके वो कोटा को निकला है वहाँ से डिपार्टमेंट से निकला है, तो उसको तक भी वो डिजर्विंग नहीं करते तो क्या करेगा, और ऐसे भी नहीं है देखो वो उसका हिसाब से उन लोगों का रिक्रूटमेंट का हिसाब से भी वो फॉलोअप करके एग्जाम रिक्रूटमेंट का फॉलोअप के हिसाब से भी ये जितना परसेंटेज मार्क चाहिए था इसका ये वो उसको भी ये गेन किया है, गेन करके उसमें से ये एक सीट को ये अकेला ही वो सीट को भी ये डिजर्व करके आया है, फिर बाद में जाके जब स्क्रीनिंग टेस्ट होता है रिक्रूटमेंट होने के बाद उसको में भी अच्छा मार्क परफॉर्म किया है, एंड देन वो आगे गया वाइवा में, वाइवा में इसको गिराया गया है वो भी जानबूझ के, उसमें भी आपको पहले ये लोग मेंशन कर चुका है 50% तक का ऑप्टिमम मार्क उन लोगों को चाहिए होता है, बट इसका 46 था, लेकिन भी ऐसा है कि या में है डॉक्यूमेंट्स में होता है कि रिलैक्सेशन होता है उस भी में भी डिसेबिलिटीज के लिए भी एक रिलैक्सेशन होता है, तो रिलैक्सेशन में 5% का रिलैक्सेशन होता है, तो 5% अगर 50 से 5% 45% तक आता है, 45% इसका 46.5% है, तो ये उस कैटेगरी में भी आता है, इसके लिए एक जेन्युइन डिमांड का वजह से ये इतना बागडोर कर रहा है उसको भी ये नहीं दे रहे, और वो पोस्ट को तो अभी किसी को ना है कहीं गया भी नहीं डिपार्टमेंट से, अभी नया ये भी एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं करा रहे, तो ऐसे हो के ये उसको हमको ना दिया है ना, अभी कमीशन का वहाँ से कुछ नया ये आ रहा है रिप्लाई आ रहा है कुछ भी ऐसे नहीं आ रहा है, बीच में ऐसे बागडोर करते रह रहे, अभी फिर ये नया इशू चल रहे बोल के इसमें भी बागडोर ऐसे ही कराते रह रहे, तो वही है हम लोग का तो डिमांड वही, हम अपना तरफ से साथ देगा। आप कुछ कोई ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करके क्या डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने वाले हैं ना कैसे करते नहीं, अभी हम लोग ऐसा है कि अगर
ये हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम लोग बोल के नहीं, हम तो सोचते हैं जितना घर में माँ पिताजी भी रहे ना, और जो भी देख रहा हो वो इंटेलेक्चुअल से लेके हायर लेवल ऑथोरिटीज से लेके जितना भी है, जिन्हेंली इसका को समझो। हम लोग ऐसे नहीं है कि ऐसे आए, सब लोग इसका दुख को समझ के आए हैं। हम लोग ऐसे नहीं कि हम मूवमेंट शुरू करेगा इससे हमको कुछ बढ़ावा मिले, ऐसे भी नहीं है। जैसे हम लोग इसका ग्रीवेंस को हम लोग सुना है तो तब हम लोग कुछ इंडिवॉलेंटरीली पार्टिसिपेट किए ऐसे। तो अगर हम तो पेरेंट्स लोग को भी इसमें साथ दे बोलते हैं, इनकेस हम लोग इसका ऐसे गवर्नमेंट लोग भी हो सकते हैं, हम तो गवर्नमेंट से आगे पास अपील करेगा, कमीशन लोग से भी और CMO से भी, CM से भी हम अपील करते हैं कि थोड़ा इसका को फोकस करो काम। अच्छा। जो है डिमांड को उसको थोड़ा। अच्छा, अपन जो कोटा का बात कर रहे हैं ना, तो स्पोर्ट्स कोटा में भी बहुत जो जेई पोस्ट के लिए स्पोर्ट्स कोटा का थ्रू भी मतलब बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुआ है, मतलब फॉल्सली हुए जो इनजस्टिस आप लोग मतलब जो स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स खेलता ही नहीं ना, स्पोर्ट्स नहीं खेलते भी उन्हें स्पोर्ट्स कोटा का थ्रू जेई पोस्ट मिला वाला बहुत है, मतलब तो आप उसमें कुछ कहना है? इसमें देखो ये जेई में जो जूनियर इंजीनियर इसमें स्पोर्ट कोटा इन्वॉल्व करना ये तो बहुत, ये भी बहुत गलत बात है, क्योंकि स्पोर्ट इज अनदर प्रोफेशनल एंड जे इज अनदर प्रोफेशनल स्टडी है, मतलब अलग अलग फील्ड है। देखो उसमें जे वाला तो इतना साल में तो वो स्पोर्ट नहीं खेलता है, और इतना ज़्यादा जो स्पोर्ट इंटरनेशनल लेवल में खेलता है और इतना मतलब बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म में खेलता है, तो वो आदमी को स्पोर्ट कोटा में नहीं मिलता है उसका अपना लेवल हिसाब से। और इसको वो लोग एक्चुअली स्पोर्ट कोटा को जे वाला पढ़ाई करने वाला, ये तो बहुत गलत है, इसको तो हम लोग भी मतलब नहीं मानते। जो इसमें जो हम लोग का जो पर्टिकुलर पावर का डिपार्टमेंट है ना, यहाँ में 2 सीट स्पोर्ट्स कोटा में था, तो ये गंडोगोल होने के वजह से एक बार तो लिफ्ट भी हो गया था लास्ट आई थिंक ये मंथ ही था, तो फिर लिफ्ट होने का, लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट केस में ही हमारा पावर का कोई उससे ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है। अच्छा, जिससे कि आप लोगों को कुछ मतलब कोई इन्फॉर्मर है ना, मतलब CBI को इन्फॉर्मेशन देना है, रिपोर्ट करना है वैसे, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ सुविधा है क्या, ईमेल का थ्रू या फिर व्हाट्सएप का थ्रू ऐसे कुछ? CBI को ना हम पर्सन में जाएंगे ऐसा मतलब ऐसा ईमेल या फिर व्हाट्सएप का थ्रू ऐसे CBI को डायरेक्ट कुछ रिपोर्ट करने का ऐसे कुछ? अच्छा, फिलहाल अभी तक बात नहीं गए। लास्टली कैन यू प्लीज गिव अस डेट कि आप लोग कब तक ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट को करने वाले हैं? सर ये चीज़ जो ऐसा है ना, मैं सीधा CM सर से यही अपील करना चाहता हूँ, मेरे सिस्टर को आप मिल लीजिए ना, सिस्टर का ग्रेवेशंस को आप ले लीजिए, उसके बाद अगर CM सर नहीं मानते हैं तो, अभी CM सर नहीं मानते हैं बोलने से हम ऐसे गार्जियन, ये पूरा ये एग्रीकल्चर का आपका ये है प्रेसिडेंट है, ये अब इलेक्ट्रिकल का हो गया, ये सब हर कोई यूनियन का है, हम अनएम्प्लॉयमेंट का है, तो मैं ऐसे गार्जियन में यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग टाइम तो अभी नहीं बोलेगा, लेकिन हम लोग CM सर अगर नहीं मानने से हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन्हीं हम लोग करेंगे, इसलिए CM सर से यही अपील है कि CM सर प्लीज़ आप मेरे सिस्टर को मिलिए, आप देखिए इनजस्टिस इतना क्यों कर रहे हैं, ये हर एंगल में हर चीज़ को क्वालिफाइड हो चुका है, हर स्टेज में आपका वाइवा रिटर्न सब कुछ क्वालिफाइड हो चुका है, आपका हर क्राइटेरिया आपका फुलफिल कर चुका है, लेकिन आज तक आप उसको क्यों इनजस्टिस दे रहे हैं, क्योंकि अब जस्टिस डिले हम तो अभी बोले कि इनजस्टिस हो रहा है ना, जस्टिस डिले इनजस्टिस, तो आप इसको जस्टिस दे दीजिए। अब आज एक लाचार बेबसी आप एक सिस्टर अपना अरुणाचल सिस्टर को आप ऐसे पोजीशन में रख दिए कि ये ना चल सकता है, तो उसको आप वहाँ दोहरा रहे वहाँ जाता घुमा रहे, ये अभी नहीं घूम सक रहे, अभी हम उसको अभी लेके आए इसका घर से, मैं ऐसे घर से हमको लेके आया, तो अब इसको कम से कम इसको जस्टिस नहीं दे सक रहा था, हम लोग का नॉर्मल आदमी को कहा जस्टिस दे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू इन पर्टिकुलर इन आवर स्टेट। तो बेसिकली हिस्ट्री अगर अब सच में अब CM सर से मैं यही कहना चाहता हूँ प्लीज़ आप उसको जस्टिस दे दीजिए, उसके बजाय बाकी जनरल तो हम लोग तो अभी मिल रहे हैं ना, हम लोग अभी बहुत सारा APAC पेस्को में बहुत सारा हम लोग तो मिल रहे हैं जस्टिस, लेकिन सिस्टर को हम लोग दे दीजिए। थैंक यू।